नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जल प्रलय, जी हां, देश भर में इस वक्त जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर से दक्षिण तक देश के 25 राज्यों में 2 दिन के लिए झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आप देखेंगे तो बीते कई दिनों से भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में तेज बारिश हो रही है और आगे भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड में विभाग ने चंबा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई है और रुक रुक कर बारिश हो भी रही है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी, मुंबई में भी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से किस तरह से तबाही मची है दिखाएंगे। गुजरात में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से पूरे गुजरात की शक्ल बदल चुकी है। कुछ ही पहले गुजरात में सुपर साइक्लोन बिपरजॉय का कहर झेला है, वहीं अब इस बारिश ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं, कई नदियां उफान पर है। गुजरात में बीते 3 दिनों की बारिश में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम उफान पर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वहीं सोमनाथ की एक और खासियत है, यहां का त्रिवेणी संगम जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं, वहीं आस्था का धाम कहे जाने वाले गिर सोमनाथ की भी बारिश के बाद हालात बदल चुके हैं। गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम उफान पर है। गिर सोमनाथ में हिरण, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का एक साथ सोमनाथ मंदिर के पास संगम होता है। तीनों नदियां संगम के बाद अरब सागर में जाकर मिलती हैं। कुछ दिन पहले ही बिपरजॉय ने गिर सोमनाथ में भारी तबाही मचाई थी, वहीं अब इस मूसलाधार बारिश ने गिर सोमनाथ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। चोटिला में बारिश की वजह से जगह जगह हुए गड्ढे। गुजरात के चोटिला में लगातार हो रही बारिश की वजह से चोटिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी रास्ते से लोग यहां के प्रसिद्ध चोटिला धाम आते हैं। सड़कों में बने गड्ढों के कारण यहां आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जूनागढ़, कच्छ में बारिश ने मचाई तबाही। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से कलवा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों पर आ गया है, जिसने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वहीं कच्छ जिले में भी भारी बारिश के बाद गांधीधाम रेलवे स्टेशन के भीतर जलभराव हो गया है। स्टेशन के भीतर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गुजरात के ही नवसारी में भारी बारिश की वजह से कई क्षेत्रों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। नवसारी के मंदिर गांव में एक अंडरपास में पानी भर जाने से कार फंस गई और पानी में डूब गई, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई हैं। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की सहायता से कार और उसमें सवार 4 व्यक्तियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बारिश को लेकर IMD ने दी जानकारी। गुजरात में IMD के मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। बारिश कम होने की कल संभावना है। अहमदाबाद में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी पुनर्विमान के मुताबिक गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़ जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जबकि कल और आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब उन्नत चरण में है और देश में सक्रिय है। अगले कुछ दिनों में कई प्रदेशों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गुजरात में इस वक्त त्राहिमाम है, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त है। वहीं उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है।
देहरादून और हरिद्वार में गरज के साथ बौछारों का सिलसिला बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों के बीच हल्की बारिश होने से तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। हालांकि जून में सामान्य से 14% बारिश कम हुई है, लेकिन बीते एक सप्ताह से बारिश ने जोर पकड़ लिया है। कई रास्ते बाधित हुए हैं, कई बार चारधाम यात्रियों को भी रोकना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से देहरादून में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। चमोली जिले में जोशीमठ हेलंग के बीच अनिमठ में भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया था, जिसे दोपहर करीब 1 बजे सुचारू कर दिया गया। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी और पौड़ी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। इसी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में रुक रुक कर बौछारों का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की बारिश का क्रम बना हुआ है। हालांकि बीते 2 दिन से बारिश में कमी आई है। बादलों के डेरे के बीच कहीं कहीं धूप भी खिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रहेगा। कुमाऊं में नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछारों से लोगों को राहत मिली है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी से बादल छाए रहने के लिए साथ ही बौछारें पड़ने की आशंका है। आकाशीय बिजली गिरने का मिल सकेगा अलर्ट। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आने वाले दिनों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी मिल सकेगा। इस सिलसिले में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने की दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और क्लाइमेट रिसाइलेंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में USDMC की ओर से सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा और CROPC की ओर से अध्यक्ष रंजन श्रीवास्तव के हस्ताक्षर किए। कहा गया इससे पहले ये सहयोग नया अध्याय प्रारंभ बताया गया है कि इस पहल से राज्य में आकाशीय बिजली के पहले चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सिस्टम एकीकरण, आकाशीय बिजली गिरने के हॉटस्पॉट के माइक्रोनाइजेशन, बिजली के कंडक्टर और अवरोधों की स्थापना को उपयुक्त स्थानों की पहचान, जनता और जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण, प्रशिक्षण और जन जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। खतरे के निशान पर पहुंची यमुना और टोंस नदी। मॉनसून के दस्तक देने पर नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। डाकपत्थर बैराज में यमुना और इछाड़ी बैराज में टोंस नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिससे बाढ़ चौकियों पर तैनात लेखपालों ने निगरानी बढ़ा दी है। नदी के किनारे पर बसे लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून की रिपोर्ट में दिए आंकड़ों के मुताबिक डाकपत्थर बैराज में यमुना नदी का जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है, जबकि खतरे का स्तर 455.37 मीटर है। इछाड़ी बैराज में टोंस नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पानी साफ है, पानी का डिस्चार्ज भी सामान्य चल रहा है। 4 में से 3 मार्ग खुल गए हैं, 1 अभी भी बंद है। चकराता में हाल ही में हुई बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन से मार्ग बाधित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जो मार्ग बाधित है उन्हें खोलने का काम भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उपनगरों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई हादसे घटे हैं। जी हाँ, मुंबई में बारिश जानलेवा हुई है, जनहानि हुई है। इसके अलावा ज्यादातर हिस्सों में जल जमाव की स्थिति देखी गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई सड़कें ऐसी भी थी जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से गई। मध्य रेलवे पर लोकल ट्रेनें भी आधा घंटे तक देरी से चली। वहीं नालों में उफान की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद BMC के कमिश्नर IS चहल स्थिति को संभालने मैदान में भी उतरे, लेकिन स्थिति नहीं संभल पाई है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए चुके हैं। अगले कुछ दिन तक अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 5 दिनों भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में 1 दिन की ही बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में लगातार अगर 5 दिन बारिश हुई तो मुंबई में सैलाब आ जाएगा। इसे लेकर लोग परेशान है। अब तक कैसे हालात रहे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट।
मुंबई लगातार बारिश की वजह से गांधी मार्केट, सायन रोड, कुर्ला, चेंबूर, कमानी, पश्चिमी उपनगर में बोरीवली, मलाड, जोगेश्वरी सहित अंधेरी सबवे, मिलन सबवे और खार सबवे और मलाड सबवे में पानी भरा हुआ है। इससे वहां गाड़ियों की आवाजाही काफी धीमी गति से रही है। साइन रोड, साइन पुल के नीचे काला चौकी, माटुंगा और बीपीटी कॉलोनी, मानखुद रेलवे स्टेशन, गोरेगांव, वीरा देसाई रोड, बांद्रा, चकाला, वारसवा सहित अन्य इलाकों में पानी लगने की शिकायत बीएमसी को मिली है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मुंबई में आने वाले दिनों में धीरे धीरे बारिश कम होगी। ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का संकेत है। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले मुंबई से लगे हैं। आईएमडी ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि नगर के विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। येलो से करना पड़ा ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन मॉनसून ने पलटी खाई और सुबह क्षेत्रीय मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर आगाह किया गया और वास्तव में कई इलाकों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। मनपा से मिले आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दहिसर और बोरीवली के अलावा कांदिवली में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा महानगरों में भी लगातार मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। मुंबई में गुरुवार शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, जबकि पालघर और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट और ठाणे में गुरुवार के लिए ऑरेंज और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। पेड़ गिरने से 2 की मौत। भारी बारिश की वजह से मुंबई में 22 जगह पेड़ या डाली गिरने की घटना सामने आई, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मालाड पश्चिम में मामलेदार वाड़ी जंक्शन के पास शॉल में रहने वाले कौशल दोषी नामक एक व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि गोरेगांव पश्चिम में चौल पर पेड़ की डाली गिरने से गंभीर रूप से घायल प्रेमलाल निर्मम की मौत हो गई। गोवंडी में घर की दीवार गिरने से रिहान शेख नामक किशोर घायल हो गया। मुंबई की हवा हुई शुद्ध। मुंबई में भारी बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था सफर के अनुसार मुंबई की ओवरऑल एयर गुणवत्ता 45 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी की श्रेणी में आती है। सबसे ज्यादा बारिश दहिसर में दर्ज की गई। दहिसर में 147 एम बारिश मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और बोरीवली में 162 मिलीमीटर। इस जोरदार बारिश की वजह से दोनों इलाकों में भारी जलभराव देखा गया और लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। वहीं यूपी की हम बात करें तो यूपी के 40 जिलों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के चलते कानपुर में गंगा का स्तर 2.5 बढ़ गया है। जगह जगह बारिश का पानी घरों में घुस गया है। यूपी में मानसून के चलते मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है और आने वाले समय में भी बरसात हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 16 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 23 जिलों में रुक रुक के साथ बरसात का असर रहेगा। अब तक ज्यादा बारिश जौनपुर में हुई है, जो कि 73 मिलीमीटर दर्ज की गई है। बाकी जिलों का क्या कुछ हाल रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के 40 जिलों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के चलते कानपुर में गंगा का स्तर 2.5 बढ़ गया है। जगह जगह बारिश का पानी घरों में घुस गया है। यूपी में मॉनसून के चलते मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 23 जिलों में रुक रुक कर बरसात का असर रहेगा। अब तक सबसे ज्यादा बारिश जौनपुर में हुई है, जो कि 73 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं कानपुर में 61.4, बनारस में 42 मिलीमीटर दर्ज की गई। अगले 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले यूपी में जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा जहां बारिश की संभावना है, वो है अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, फरुखाबाद, सीतापुर,
उन्नाव, हरदोई, श्रावस्ती, बस्ती, अंबेडकर नगर, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया, इन जिलों में होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार जताए जा रहे हैं। यूपी में इस हफ्ते 4 जुलाई को होगी सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि इस हफ्ते के 4 जुलाई को मूसलाधार बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नई हवाएं यूपी की तरफ आ रही हैं, जिससे बारिश के आसार बन रहे हैं। साथ ही यूपी में मानसूनी बारिश का दौर भी जारी रहेगा। कानपुर, लखनऊ, बरेली और वाराणसी समेत 20 जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। रुक रुक के बरसात होने की वजह से कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसमें लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं बिहार में मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव है। पटना, जमुई, शेखपुरा में जोरदार बारिश हुई। आपको बता दें कि लगातार रुक रुक कर पटना, जहानाबाद, गोपालगंज पे बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों के लिए हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 जख्मी हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए विस्म पावापुरी रेफर कर दिया गया है। तो पटना में भी हालात बुरे बने हुए हैं। बिहार में भी मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। पटना हो, जमुई हो और शेखपुरा हो, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। पटना में कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। एक दिन की झमाझम बारिश में पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गई और जनसैलाब आ गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए राजधानी के प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं करीब 2 घंटे की बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। देर रात हुई झमाझम बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, लोहानीपुर, नाला रोड सहित कई अन्य इलाकों में सड़क पर घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। लोग घुटनों तक गंदे पानी में भरे पानी में भीग कर जाने को मजबूर हैं। पानी इस कदर भर गया है कि सड़क का किनारा भी समझ नहीं आ रहा है। पैदल चलने वाले हों या गाड़ी से जाने वाले, सभी परेशान हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इन जिलों में 90 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है, जबकि पटना, गया, नालंदा, नवादा, बक्सर, भोजपुर, अरवल सहित अन्य सभी जिलों में सामान्य बारिश होने के आसार हैं। जून में बारिश नहीं होने की वजह, वेदर एक्सपर्ट ने बताया है कि 22 जून के बाद बारिश की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। इसकी एक मुख्य वजह ये थी कि बिहार की तरफ आने वाला मॉनसून मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़, एमपी की तरफ डाइवर्ट हो गया। इस वजह से बिहार में मॉनसून का सिस्टम कमजोर पड़ गया। इसका दूसरा बड़ा कारण नमी और तीसरा बिपरजॉय तूफान के कारण भी बिहार में मॉनसून स्थिर पड़ गया था। 27 जिलों में तापमान में गिरावट। बिहार के 27 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 34 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर सबसे गर्म रहा है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे दर्ज किया गया, जिसमें पटना का तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, नालंदा 26.2 डिग्री, गया 28.4 डिग्री, वैशाली 29.7 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 28.7 डिग्री, छपरा में 28.6 डिग्री, भोजपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बरसात का स्तर जो है वो कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आज और कल की हम बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर त्राहिमाम मची हुई है। तो जल प्रलय की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल फिर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।